नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा पर हनुमान बेनीवाल ने सबसे बड़ा बयान दे डाला है। हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर जाकर उनके पैर पकड़े। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले को छोड़ने की डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा से मांग की। हनुमान बेनीवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि ये बात खुद किरोड़ीलाल मीणा ने उनको बताई। उपचुनाव में मतदान का दिन जैसे जैसे पास आता जा रहा है, दिग्गज इन चुनावों में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां आज झुंझुनू और खींवसर की सीट पर तूफानी दौरे करते हुए अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से वोट की अपील की, तो वहीं खींवसर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए जनता से गुहार लगाई। इसके साथ ही दौसा की सीट पर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई के लिए दम दिखाया। वहीं देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय नरेश मीणा भी पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आए। प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव के चलते अब लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। बीते 48 घंटों में दिन और रात में तापमान में करीब 1-2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं रात में अब लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अब पूरे राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में करीब 2-3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देवली उनियारा की सीट पर भाजपा को मजबूती देने के लिए इस समय भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पूरी तरह से ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जहां सतीश पूनिया ने जनसभाएं की, तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर से उपचुनाव में वसुंधरा राजे की दूरी के सवालों पर सतीश पूनिया ने कहा कि वसुंधरा राजे का सम्मान राजनीति में कभी कम नहीं हो सकता। हालांकि वह अपने पारिवारिक कारणों के चलते अभी राजनीति में सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रही है, लेकिन पार्टी में उनका सम्मान और कद अलग स्थान रखता है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। 13 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि 4 दिन का समय बाकी है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता रामगढ़ विधानसभा में प्रचार करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच राजस्थान की सबसे कम उम्र की सांसद संजना जाटव के प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जनता के बीच अपना आंचल फैलाकर कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन जुबेर खान के लिए वोट मांगती हुई नजर आई। राजस्थान के अजमेर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रंगीन ऊंट शो में से एक है। इसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से लोग दोरों की धरती पर आते हैं। पुष्कर के छोटे से शहर में हजारों पर्यटक, व्यापारी और स्थानीय लोग इस विशाल उत्सव में भाग लेते हैं। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों के मेन गेट और गैलरी को भगवा रंग में रंगने के आदेश जारी हो गए हैं। जयपुर स्थित कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन ने फर्स्ट फेज में 20 कॉलेजों को ये आदेश जारी किया है, जिसमें कॉलेज बिल्डिंग के सामने वाले एरिया व एंट्रेंस हॉल का रंग व्हाइट गोल्ड और ऑरेंज ब्राउन करने के बारे में लिखा गया है। बताया जा रहा है कि इन कॉलेजों में काम पूरा होने के बाद बाकी कॉलेजों में पेंटिंग कराने का आदेश जारी किया जाएगा। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बदेल ने अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे, तभी बदेल ने उपायुक्त भरत राज गुर्जर आरएएस अधिकारी को भ्रष्ट बता दिया। विधायक ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि पकड़ कर मारूंगी। अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर भड़कती विधायक को देखकर खर्रा भी सख्ती में आ गए। उन्होंने इस मामले को एक्शन में लेने के निर्देश दिए। प्राधिकरण के उपायुक्त को मामले की जांच के लिए आदेश दिए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप 2024 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश के 8 राज्यों की टीमें भाग ले रही है, जिसमें विशेष योग्यता खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन में राजस्थान की टीमों ने चंडीगढ़ की टीम को हराया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम की ओर से किया गया। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष उपाध्यक्ष तरुण विजय, कॉमेडियन बॉलीवुड अभिनेता ख्याली सारण, गुरु गोविंद सिंह, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा शामिल रहे। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन के 1 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें समर्पित करते हुए एक लेख लिखा है। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में
86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। पीएम मोदी ने लिखा कि रतन टाटा जी को अंतिम विदाई दिए हुए करीब एक महीना बीत चुका है। भारतीय उद्योग जगत में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा और ये भी देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। पिछले महीने आज ही के दिन जब मुझे उनके गुजरने की खबर मिली, तब मैं उस समय एशियन समिट के लिए निकलने की तैयारी में था। उनका हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भूल पाना आसान नहीं है। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा जी के तौर पर भारत ने एक महान सपूत को खो दिया है, एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिनभर बुलेटिन। नमस्कार।